गाइस तो हम लोग देख रहे हैं ऑक्सीडेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। और इसमें दो तरह के ऑक्सीडेशन हम लोग देखेंगे, एक तो जैसे बेंजीन रिंग है, एरोमेटिक कंपाउंड है, उसका ऑक्सीडेशन होगा तो क्या होगा, और दूसरे उसके ऊपर अगर कोई साइड चेन लगा हुआ है और उसको ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो क्या होगा। ठीक है, तो पहली चीज़ अपन देख रहे हैं कि अगर बेंजीन रिंग है और उसको ऑक्सीडेशन मैं कर रहा हूँ तो क्या होगा। बेसिकली ये बहुत एकदम लॉजिकल चीज़ है, क्योंकि बेंजीन रिंग अगर है तो इट इज़ के लिए हाइड्रोकार्बन, और हाइड्रोकार्बन को जब अपन बर्न करते हैं तो उसको अपन कम्बशन रिएक्शन बोलते हैं। तो उसी तरह से बेंजीन रिंग का भी कम्बशन रिएक्शन होगा और अपने को कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलेगा। ठीक है, पिक्युलर चीज़ ये होती है जब इस तरह के कंपाउंड्स को अपन बर्न करते हैं, अरोमेटिक कंपाउंड्स को जब अपन बर्न करते हैं तो उनका कंबशन बड़ा स्पेसिफिक होता है, दिखाई देता है। ठीक है ना, तो ये जो होता है कंबशन, इसको अपन डिस्क्राइब करते हैं कि अरोमेटिक कंपाउंड्स बर्न विथ अ सूटी फ्लेम। राइट, फॉर एग्जाम्पल हम कापूर लेते हैं, ठीक है, जैसे जिसको अपन क्या बोलते हैं कैम्फर। तो कैम्फर को जब अपन बर्न करते हैं तो एक काला सा धुआं तुमको दिखाई देता है, इसका मतलब क्या हो गया, कैम्फर इज़ अ अरोमेटिक कंपाउंड। ये बहुत टिपिकल होता है अरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए कि जब भी वो बर्न होते हैं दे बर्न विथ अ सूटी फ्लेम, ये बात ध्यान में रखो। ठीक है, तो ये खास नहीं है हमारे लिए कोई रिएक्शन, मतलब इसको कोई यूज़ नहीं करते हैं अपन किसी चीज़ के लिए, सिर्फ आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स इसी के लिए यूज़ करते हैं, इसके अलावा इसका कोई खास एप्लीकेशन नहीं है। राइट, अदर देन पूजा एंड ऑल दैट स्टफ। तो देखते हैं कि अगर आर ग्रुप लगा है तो उसका किस तरह से हम लोग यूज़ कर सकते हैं या उसकी किस तरह से रिएक्शन होती है। तो जैसे आर ग्रुप लगा हुआ है इसका और उसको मैं ऑक्सीडाइज करता हूँ इन प्रेजेंस ऑफ KMnO4। ठीक है, यहाँ पे मैं कंबशन नहीं कर रहा हूँ, ऑक्सीडेशन कर रहा हूँ। कंबशन रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, लेकिन यहाँ पे हम लोग कंबशन नहीं कर रहे, ऑक्सीडेशन कर रहे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले रहा हूँ जैसे KMnO4। तो क्या होगा कि जो आर ग्रुप है इट विल गेट कन्वर्टेड इन टू कार्बोक्सिल ग्रुप, और मेरे को जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट इज गोइंग टू बी अ बेंजोइक एसिड। ओके, तो ये बहुत जनरल रिएक्शन है, बहुत कॉमन रिएक्शन है, और इसमें कुछ प्रिकॉशंस हमको देखने पड़ते हैं, तो वो मैं डिस्क्राइब करता हूँ, बताता हूँ किस तरह से। तो यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहे, तो मैंने प्रोपिल बेंजीन ले लिया, एन प्रोपिल बेंजीन, और उसको मैं ऑक्सीडाइज कर रहा हूँ यूजिंग KMnO4। मेरे को देखो बेंजोइक एसिड मिल रहा है। जनरली यहाँ पे डजेंट मैटर कि वॉट टाइप ऑफ आर ग्रुप यू हैव, कंडीशन ये होती है कि इस आर ग्रुप में ये जो कार्बन है ये कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है इनटू कार्बोक्सिल ग्रुप। ठीक है ना, बाकी वाले जो है दे आर गेटिंग कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमको सिर्फ इसी आर ग्रुप के ऊपर फोकस करना है। तो रिक्वायरमेंट ये है इस रिएक्शन के लिए कि अरोमेटिक कंपाउंड या बेंजीन के बेंजीन ग्रुप के ऊपर कोई बेंजेलिक कार्बन होना चाहिए। ठीक है ना, इस कार्बन को अपन क्या बोलते हैं, बेंजेलिक कार्बन, और उस बेंजेलिक कार्बन के ऊपर कम से कम एक हाइड्रोजन होना चाहिए, उस हाइड्रोजन को भी अपन क्या बोलते हैं, बेंजेलिक हाइड्रोजन। तो एटलीस्ट वन बेंजेलिक हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट ऑन द बेंजीन रिंग और अरोमेटिक कंपाउंड फॉर इट्स ऑक्सीडेशन। और जब अपन ऑक्सीडेशन करते हैं तो प्रोडक्ट हमेशा अपने को क्या मिलता है, बेंजोइक एसिड। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने टोलविन ले लिया, ठीक है, और इसको ऑक्सीडाइज किया यूजिंग KMnO4, मेरे को प्रोडक्ट क्या मिलेगा, बेंजोइक एसिड। अगर मैं इथिल बेंजीन लेता हूँ तो भी मेरे को बेंजोइक एसिड मिलेगा, अगर मैं प्रोपिल या आइसोप्रोपिल बेंजीन लेता हूँ तो भी मेरे को बेंजोइक एसिड मिलेगा। डजेंट मैटर वॉट द आर ग्रुप इज, ठीक है, एज फार एज इट हैज बेंजेलिक हाइड्रोजन इट विल ऑलवेज गेट ऑक्सीडाइज टू बेंजोइक एसिड, और जो बचे हुए जो कार्बन है दे गेट कन्वर्टेड इन टू कार्बन डाइऑक्साइड। ऑलराइट, बड़ी सिंपल सी रिएक्शन है, सिर्फ कंडीशन तुमको ध्यान में रखनी है कि बेंजेलिक हाइड्रोजन का रहना जरूरी है, एंड यू नीड अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फॉर ऑक्सीडेशन। ठीक है, दूसरी बात ये होती है कि जैसे अगर मैं कोई एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे अल्डेहाइड ग्रुप लिया, अल्डेहाइड को अगर मैं ऑक्सीडाइज कर रहा हूँ तो भी मेरे को बेंजोइक एसिड ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो कार्बन है, कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन है, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन होगा। लेकिन अगर मैंने बेंजीन रिंग के ऊपर कीटोन ग्रुप लगाया तो क्या इसके ऊपर बेंजीलिक हाइड्रोजन है, नहीं है ना, तो इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा, एटलीस्ट नॉर्मल कंडीशन में नहीं होगा। अगर हार्श कंडीशन लेते हैं हम लोग, विगरस कंडीशन लेते हैं, तो उस कंडीशन में किसी भी कंपाउंड का ऑक्सीडेशन होगा, कंबशन रिएक्शन मिलेगा, ब्रेकडाउन प्रोडक्ट मिलेगा। लेकिन अगर कंट्रोल्ड कंडीशन में, नॉर्मल लेबोरेटरी कंडीशन में अगर मैं KMnO4 के साथ ऑक्सीडेशन कर रहा हूँ
और अगर बेंजिलिक हाइड्रोजन है, जैसे ये केसेस में बेंजिलिक हाइड्रोजन है, तो उनका जो प्रोडक्ट मिलेगा मेरे को हमेशा बेंजोइक एसिड. क्लियर है? ओके. अगर मान लो बेंजिलिक हाइड्रोजन नहीं है, जैसे कि ये टर्शियरी ब्यूटिल ग्रुप लगाया मैंने बेंजीन के ऊपर, तो अगर बेंजिलिक हाइड्रोजन नहीं है तो उसका रिएक्शन नहीं होगा, उसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा नॉर्मल कंडीशन में. अगर विगरस कंडीशन लेता हूँ तो ये सब कुछ ब्रेकडाउन हो सकता है, वी कैन गेट वॉट एवर. ऑलराइट, इसकी कोई रिएक्शन नहीं होती है, बट विगरस कंडीशन में प्रोडक्ट डिकम्पोज हो जाता है, ब्रेकडाउन हो जाता है. नॉर्मल कंडीशन में हमको अगर बेंजिलिक हाइड्रोजन नहीं है तो रिएक्शन नहीं होगा, इस कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नहीं होगा. क्लियर है? तो लेट्स लुक एट बर्च रिडक्शन रिएक्शन. जस्ट टू रिव्यू, हमने ये रिएक्शन ऑलरेडी देख चुके हैं अल्काइंस टॉपिक में. इसमें अपन ने अल्काइंस को रिड्यूस किया था इनटू ट्रांस अल्कीन में. ठीक है, बर्च रिडक्शन रिएक्शन ये जो था, इसमें हमने Na इन अमोनिया ये रिएजेंट लिया था. ठीक है, इसमें अपन अल्कोहल भी लेते थे, बट जनरली Na इन अमोनिया, दिस वर्क्स आउट फाइन फॉर अल्काइंस टू अल्कीन्स, विच इज़ बेसिकली अ ट्रांस अल्कीन रिडक्शन रिएक्शन. तो दिस वॉज एक्चुअली अ कॉम्प्लीमेंट्री रिएक्शन फॉर लिंडलार्स कैटलिस्ट. कॉम्प्लीमेंट्री रिएक्शन थे, लिंडलार्स में अपने को सिस मिलता है और यहाँ पे अपने को ट्रांस मिलता है. ठीक है ना, तो ये रिएक्शन हम देख चुके हैं, इसी को हम अरोमेटिक कंपाउंड्स को अप्लाई कर रहे हैं. ठीक है, तो थोड़ा सा चेंज होता है इसमें. आई कैन आइदर टेक सोडियम और लिथियम मेटल इन लिक्विड अमोनिया इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल. ठीक है ना, हमको अल्कोहल जनरली इथेनॉल के लेते हैं अपन, दैट इज अ प्रोटॉन प्रोवाइडर, हमको प्रोटॉन प्रोवाइड करना पड़ता है. तो यहाँ पे थोड़ा सा एसिडिक कंपाउंड लेते हैं हम लोग, विच इज़ अ अल्कोहल. तो जैसे मैंने बेंजीन ले लिया, ये अपना बर्च रिडक्शन का रिएजेंट हो गया, Na इन अमोनिया ऑल्सो इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल. तो अल्कोहल का काम होता है प्रोटॉन प्रोवाइड करना, हाइड्रोजन प्रोवाइड करना. ठीक है, इट इज़ स्लाइटली एसिडिक, अमोनिया से तो बहुत ज़्यादा एसिडिक है इनफैक्ट. और यहाँ पे होता क्या है कि अपने को साइक्लोहेक्साडाइन मिलता है, 1,4-cyclohexadiene, ये अपना प्रोडक्ट मिलता है अपने को. ओके, तो यहाँ पे देखो, अगर मैं नंबरिंग दूँ तो दिस इज़ 1, 2, 3 and 4, इसीलिए इसको बोल रहे हैं अपन 1,4-cyclohexadiene. तुम नंबरिंग कहीं से भी स्टार्ट करो, यू हैव टू इंक्लूड नॉमेनक्लेचर के रूल्स फॉलो करना पड़ेगा. डबल बॉन्ड में एक अल्कीन हमको इंक्लूड करना पड़ेगा, उसी से अपन स्टार्ट करते हैं. सो आई कैन नॉट गो लाइक 1, 2 and 3, आई हैव टू इंक्लूड द डबल बॉन्ड, कोई भी एक एटलीस्ट, जहाँ से अपन नंबरिंग स्टार्ट कर रहे हैं. तो ये मेरा प्रोडक्ट मिल रहा है इसमें बर्च रिडक्शन में, दैट इज़ द ओनली प्रोडक्ट एक्चुअली वी गेट. सो इट्स नॉट अ वेरी कॉमन रिएक्शन, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग रिएक्शन. कि यहाँ पे अपन अरोमेटिसिटी ब्रेक कर रहे हैं रिंग का. ठीक है, और ये जो बेंजीन रिंग है जिसको अपन बहुत ज़्यादा स्टेबल बोलते हैं, दैट कैन एक्चुअली बी रिड्यूस्ड यूजिंग सोडियम इन अमोनिया और बर्च रिडक्शन रिएजेंट. इसको अपन यूज़ करके इवन बेंजीन रिंग को रिड्यूस कर सकते हैं. तो यू कैन इमेजिन कि ये जो रिएजेंट है, दैट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, इज़न्ट इट? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है. अगर मान लो मैं नेफ्थलीन ले लेता हूँ एंड आई डू द सेम बर्च रिडक्शन, टेम्परेचर यहाँ पे बहुत कम रखा गया है क्योंकि रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट. तो नेफ्थलीन लिया है तो यहाँ पे ये जो दो पोजिशंस है ये रिड्यूस हो गए. ओके, तो दोनों ये चार पोजीशंस पे एक एक हाइड्रोजन है. जब अपन बर्ज रिडक्शन करते हैं तो यहाँ पे दो दो हाइड्रोजन आ गए ये चारों पोजीशन पे, और ये चारों पोजीशन रिड्यूस हो गए एंड वी गेट दिस कंपाउंड. ठीक है, तो ये बर्ज रिडक्शन की रिएक्शन है. बेंजीन जैसे डेरिवेटिव्स को अपन रिड्यूस करने के लिए बर्ज रिडक्शन रिएक्शन यूज़ करते हैं. इसका कोई एप्लीकेशन है सिंथेसिस में बेसिकली, लेकिन ये बड़ी सिंपल सी रिएक्शन है. ये रिएक्शन तुमको ध्यान में रखनी है. तो इसका जो मैकेनिज्म है वो ये है कि सोडियम जो है, सोडियम या लिथियम जो भी अब मेटल अपन ले रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करने से अनायन बनेंगे, और इथेनॉल जो है वो हाइड्रोजन प्रोवाइड कर रहा है. उसी तरह से ये चारों पोजीशंस रिड्यूस हो रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पे मैकेनिज्म अपन देखते हैं. जैसे ये बेंजीन रिंग है, ये जो इलेक्ट्रॉन आया है ये सोडियम ने दिया है या लिथियम ने दिया है, तो ये पोजीशन पे मान लो किसी एक पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन आ गया. ठीक है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर के वजह से क्या होगा कि यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आया, लेकिन रेजोनेंस स्ट्रक्चर अगर अपन ड्रॉ करेंगे तो किसी एक कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा. ठीक है, अब नेगेटिव चार्ज एग्जैक्टली अपोजिट कार्बन पे ही स्टेबल रह सकता है, इसीलिए
ये इंटरमीडिएट सबसे ज़्यादा स्टेबल रहेगा। और फिर अल्कोहल जो है उसको हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा और ये पहला कार्बन अपना रिड्यूस हो गया, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन आया और एक हाइड्रोजन आया तो इसके वजह से पहला कार्बन अपना रिड्यूस हो गया। अब क्या होगा कि दूसरा कोई सोडियम या लिथियम और एक इलेक्ट्रॉन देगा और उसकी जगह ये अनायन बनेगा, ठीक है, और ये अनायन अब और एक हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट करेगा फ्रॉम इथेनॉल या अल्कोहल से और सेकंड वाला भी रिड्यूस हो गया। तो इस तरह से 1-4 पोजीशन पे अपने को रिडक्शन मिलेगा, ठीक है, 1-4 पोजीशन पे रिडक्शन मिल रहा है और कोइंसिडेंटली प्रोडक्ट का नाम भी 1-4 साइक्लोहेक्साडाइन ही है, सो इट्स ईजी टू रिमेंबर आई गेस, ठीक है। द बर्च रिडक्शन इज वेरी सिंपल रिएक्शन, क्लियर है।